जब भी हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार की शिकंजी पीते हैं, तब हम मन में यही एक ख्याल आता है कि इतनी परफेक्ट शिकंजी इतनी अच्छी कैसे बना लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाना हुआ घर पे बहुत ही आसान, और देखते हैं मैंने इसको किस तरह से घर पे ही तैयार किया है, और इसको आसानी से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बाउल में पानी ले लेंगे, ये नॉर्मल पानी है, और नॉर्मल पानी के साथ हमने यहाँ पर ले ली है एक कटोरी के लगभग चीनी, और चीनी आप चाहें तो इसमें इसी तरह से डालकर घोल सकते हैं या फिर इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें। तो हम यहाँ पर चीनी को ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो चीनी है इसको ग्राइंड कर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारी जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए इसमें। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारी चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डाल देंगे आधा चम्मच के करीब नमक, और उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में एक इसको अच्छे से ढक देंगे और इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। ये अभी पूरी तरह से नहीं जमा है, मुझे ऐसा ही चाहिए था। ये देखिए, ये नॉर्मल बर्फ की तरह नहीं होता है, वो उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा हार्ड ही टूटता है, पर इसको तोड़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। ये देखिए, एक फोक की हेल्प से इसको हम इस तरह से क्रश कर लेंगे, देखिए। और जो शिकंजी बाज़ार में जो मिलती है वो भी इसी तरह से कुछ होती है, आप देख सकते हैं, और वो भी इसी तरह से निकाल दे। तो इसको हम इस तरह से अच्छे से सारा तोड़ लेंगे, इस तरह से इसको तोड़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। ये देखिए, सारा बर्फ जो है अच्छे से टूट चुका है, अब हम इसको ग्लास में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर मीठी बर्फ़ को ग्लास में कर लिया है, और अब हम इसमें नींबू डाल देंगे। और नींबू डालने के बाद हम यहाँ पर इसमें और ये थोड़ा सा मसाला डाल देंगे। ये शिकंजी का मसाला मार्केट में ईजली अवेलेबल रहता है, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं इसको। तो लीजिए फ्रेंड, बाज़ार जैसी परफेक्ट शिकंजी घर पर बनकर एकदम तैयार है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।